हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज का अपना नया वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम अपना क्राफ्ट बनाने वाले हैं वो हमारा एक वॉल हैंगिंग है, जो पहले मैंने एक मकर संक्रांति पे मैंने क्राफ्ट बनाया था। तो उसी में से मैंने जो ये स्क्वायर पार्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो मैंने उसी का रिमेनिंग पार्ट है। मैंने उसी में से यहाँ पर कार्डबोर्ड यूज़ किया है। तो जिस तरह से हम जो कटिंग निकालते हैं कई बार हम उससे भी बहुत ही सुंदर सा क्राफ्ट बना सकते हैं। तो कार्डबोर्ड में से मैंने इस तरह से एक राउंड यहाँ पर एक सर्कल निकाल लिया था और उसकी साइड्स को मैंने अच्छे से इस तरह से देखिए ये सिक्योर कर लिया है। जो राउंड है वो हमारा यहाँ पर वेस्ट है और जो कटिंग निकली है वो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो वो राउंड पोर्शन हमारा मैंने वहाँ पर मकर संक्रांति पे मैंने वो क्राफ्ट बनाने के लिए यूज़ किया था। तो देखिए इस तरह से हम इसकी साइड्स को हमने पेपर टेप से अच्छे से सिक्योर कर लिया है और एक कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है। अब फ्रेंड्स हमें इसके ऊपर जो है टेक्स्चर देना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी वॉल पुट्टी, फेविकोल और थोड़ा सा वाटर लेकर मैंने इसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। तो आप इसमें ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है और इसको वाइट पेस्ट देने के लिए इसमें थोड़ा सा वाइट एक्रेलिक कलर आप ऐड कर दीजिए और एक बहुत ही अच्छा सा आप इसको पेस्ट बना लीजिए। अब देखिए स्पंज की हेल्प से मैंने इस तरह से इसको टैप टैप करके बहुत ही अच्छे से इसको कवर कर दिया है। वाइट मैंने इसके ऊपर बेस दिया है। अब इसी के ऊपर हमें वर्क करना है, लेकिन जब भी आप अपना वर्क स्टार्ट करें तो आप अपने बेस को अच्छे से सूख जाने दें, तभी उसके ऊपर आप वर्क करें। अब देखिए हम जो ये आज क्राफ्ट बना रहे हैं ये हमारा वॉल हैंगिंग है, तो हमें उसके लिए एक डो तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी डो तैयार किया है। आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी आपको इसमें इस तरह से ऐड करना है। ज़्यादा पानी आप इसमें ऐड ना करें और देखिए इस तरह से जब तक इसमें क्रैक आना बंद ना हो जाए आपको तब तक ये अच्छे से गूंथना है। और आप किसी भी गीले कपड़े में इसको अच्छे से कवर कर लें और कवर करके मैंने यहाँ पर इसको पॉलीथीन में भी रख दिया है। आप इसको 3-4 घंटे तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस इसको हवा नहीं लगनी चाहिए। तब इसको एयर टाइट कंटेनर में आप इस तरह से रख दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ी थोड़े पोर्शन लेकर हमें यहाँ पर फ्लावर्स बनाने हैं। तो देखिए मैंने इस तरह थोड़ा सा पोर्शन लेके और इस तरह से देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स बिल्कुल आपको वैसे ही करना है और आप इस तरह से ये फ्लावर्स बना लीजिए छोटे छोटे। अब जो हमारा ये क्राफ्ट था यहाँ पर हम इसके ऊपर बेस के ऊपर आप इसको धीरे धीरे इस तरह से फ्लावर्स बनाएं और फेविकोल की हेल्प से आप इसको इस तरह से लगाते जाएं। अब फ्लावर्स के साथ साथ में मैंने थोड़ी सी लीव्स भी बनाई हैं। अगर आप चाहें तो इनके यहाँ पर जो है मोल्ड भी आते हैं लीव बनाने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर हाथ से ही बनाई हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी आप ये लीव बनाने का मोल्ड जो होता है वो आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। दो फ्लावर्स के बीच में मैंने दो दो लीव्स इस तरह से लगा दी हैं और उनको अच्छे से ड्राई होने दीजिए। इसके बाद देखिए मैंने मिडल में एक बहुत ही सुंदर सा मैंने क्या है सर्कल बना दिए हैं और फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर डो से ही मैंने लंबी लंबी इसको बेल कर मैंने यहाँ पर ये लाइन जो है लगा ली हैं। अब इसके ऊपर मैंने टेक्सचर दिया है, तो अगर आप चाहें तो आप जो आपका पेंट ब्रश होता है उसकी बैक साइड से भी आप टेक्सचर दे सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो ये आप सर्कल बना रहे हैं ये सारी जगह से बराबर होने चाहिए। तीनों आप सर्कल बना लीजिए और इनके ऊपर अच्छे से टेक्सचर दे दीजिए और इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। ड्राई होने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें कलर करना स्टार्ट करना है। देखिए मैंने मिडल में नियॉन पिंक कलर लिया है। कलर जब भी आप यूज़ करते हैं फ्रेंड अपनी चॉइस के आप यूज़ करें। एक लाइन को छोड़कर मैंने दूसरी लाइन में यहाँ पर
और पिंक कलर किया है। इसको भी अच्छे से आप जो है कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए मैंने नियॉन येलो कलर किया है, ये थोड़ा लाइट कलर होता है तो मुझे यहाँ पर इसके लिए दो कोट लगाने पड़े हैं। तो जब भी आप लाइट कलर के साथ वर्क करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको उसके ऊपर दो कोट अप्लाई करने ही हैं। अब फ्रेंड्स ये कलर का काम कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, बाहर की साइड में हमें यहाँ पर कलर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने ये फ्लावर्स और लीफ लगाए थे, अगर आप चाहें तो पहले आप इसमें ब्लू कलर कर लीजिए और उसके बाद ही आप ये फ्लावर्स पेस्ट करें, क्योंकि जब मैं कलर कर रही थी तो मुझे बहुत ही थोड़ी दिक्कत हो रही थी इसको करने में। तो आप फ्लावर्स और लीफ बाद में भी लगा सकते हैं। अब लीव्स के ऊपर देखिए मैंने ग्रीन कलर किया है, तो आप एक एक लीव्स को आप इस तरह से कर लें, थोड़ा बहुत साइडों में लग जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको बाद में वाइट कलर से हम उसको अच्छे से कवर कर देंगे। इस तरह से आप लीव्स को कंप्लीट कर लें और जब लीव्स हमारी सूख जाएं उसके बाद ही फ्रेंड्स आप जो फ्लावर्स हैं उसके ऊपर आप कलर कीजिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पिंक कलर के फ्लावर्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मिडल में पिंक कलर ले लिया था इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर का यूज़ किया है। मेहरून कलर है तो आप यहाँ पर रेड कलर भी ले सकते हैं। अब देखिए मैंने छोटी छोटी वॉल पुट्टी डो से ही मैंने ये राउंड शेप की मैंने ये बना के रखी हुई थी, तो आप भी छोटी छोटी गोलियां आप इस तरह से बनाकर पहले ही तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आप इनको पेस्ट कर लीजिए। और इसी तरह से मैंने लीव्स भी बनाई थी, तो आप ये लीव जब भी आपका डो आपको लगता है कि अभी टाइट हो रहा है तो आप उसे इस तरह से कुछ भी पहले से ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप बनाकर आप रख सकते हैं। तो आपके किसी भी क्राफ्ट में आप जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भी डेकोरेशन करनी होती है आप वहाँ पर आसानी से इसे कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट वाली रो में मैंने क्या किया है, ट्रायंगल शेप के मैंने यहाँ पर मिरर यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर राउंड शेप के भी मिरर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रायंगल लिए हैं। तो इस तरह से दोनों साइड से मैंने एक एक मिरर यहाँ पर लगा लिया है और जो हमारा बीच का पोर्शन बच गया था मैंने वहाँ पर भी मैंने इसी तरह से लीव्स लगाकर इस सर्कल को मैंने कम्प्लीट कर लिया है। सर्कल कम्प्लीट होने के बाद फ्रेंड देखिए बाहर की साइड में मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने थोड़ा मोजाइक वर्क किया है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ पर मिरर लगाने होंगे, तो अगर आप चाहें तो आप छोटे मिरर भी लगा सकते हैं, मेरे पास अभी बड़े थे तो मैंने बड़े मिरर ही लगा लिए, या अगर आप आपके पास किसी और शेप के मिरर हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इस वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। तब तक फ्रेंड ये वर्क सूखता है तब तक हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा पोर्शन है हमने वहाँ पर भी नियॉन येलो कलर किया है, तो आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए और आपको इसके ऊपर दो आपको कोट अप्लाई करने ही हैं। तब तक ये वर्क सूखता है फ्रेंड। हमने जहाँ पर मिरर लगाए थे मैं उसके बीच में डॉट्स लगा रही हूँ, क्योंकि ये जगह मुझे थोड़ी खाली लग रही थी, और देखिए डॉट लगाते ही हमारा क्राफ्ट बहुत ही सुंदर बनता जा रहा है। अब जो हमने यहाँ पर मिरर्स लगाए हैं फ्रेंड वहाँ पर मोजाइक हमें वर्क करना है, तो मोजाइक वर्क के लिए हमें क्या है डो बनाना पड़ेगा। तो एक अच्छा सा पेस्ट या फिर डो आप बना लीजिए, वो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर भी ऐड कर दिया है, अगर आप कोई और कलर लेना चाहते हैं तो आप कोई और कलर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए मैंने तो हाथ से ही अपने फिंगर्स के हेल्प से ही मैंने यहाँ पर इनको फिल कर दिया था, लेकिन अगर आप चाहें तो किसी भी फ्लैट सरफेस से आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हैं। और सूखने के बाद फ्रेंड देखिए गीले कपड़े से मैंने इनको अच्छे से पोंछ दिया है। अब जो यहाँ पर हमने येलो कलर किया था वहाँ पर मैंने जो लीव्स बनाई थी वो लगा दी हैं। चारों कोने फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से कवर कर लें, चारों कॉर्नर्स पे आप अच्छे से लगा लें और इनको ड्राई होने दें। और मिडल में मैंने एक एक यहाँ पर मिरर लगा दिया है और उसके साइड में मैंने डॉट्स लगाई हैं। डॉट्स के बाद ये मिरर अपने आप ही बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। अब देखिए थोड़ा मुझे ये क्लीन नहीं लग रहे थे तो मैंने एक बार और इनको अच्छे से क्लीन कर दिया। अब लास्ट हमारा वर्क यहाँ पर बचता है लीव्स और फ्लावर्स के ऊपर गोल्डन कलर लगाना। तो देखिए मैंने फिंगर्स की हेल्प से ही थोड़ा थोड़ा मैंने गोल्डन कलर, मेटेलिक गोल्डन कलर लेकर इसको अच्छे से कम्प्लीट कर लिया है। और देखिए हमारे क्राफ्ट का ये है फाइनल लुक।
कितना सुंदर हमारा ये ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन ब्लू कलर के साथ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये हमने एक वॉल हैंगिंग बनाई है। तो इस क्राफ्ट पे मैंने तीन तरह का मैंने यहाँ पर वर्क यूज़ किया है फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स मेरे काम को प्लीज़ एक थम्सअप ज़रूर दीजिएगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।